सो फ्रेंड्स, हमारा 13th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ अ रूम वेयर हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. सो वी आर गिवन लेंथ एज 5 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ एज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट एज 3 सेंटीमीटर. और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम. तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम का जो फॉर्मूला है, we have a direct formula for this and that is 2l plus b into h. तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ values put कर देनी है. और values हमारे पास जो दी गई हैं वो है 5 plus 4 into 3. तो value जो आएगी 2 into 9 into 3. Multiply करने पे value is 54 centimeter square. तो जो area of four walls of the room है that is 54 centimeter square. हमारा 14th क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 30, 20 एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली. वन डे ए इज सपोर्टेड इन वर्क बाय बी एंड नेक्स्ट डे बाय सी. द सेम पैटर्न इज फॉलोड टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क. सो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है. अब इससे हम क्या देखेंगे, हमें पता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, B can do a piece of work in 20 days and C can do the same work in 10 days. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम 60 आएगा. तो ये 60 टोटल वर्क डिनोट करता है. अब इनकी एफिशिएंसी जो निकाली जाएगी, दैट 60 वुड बी डिवाइडेड बाय 3, दैट कम्स आउट टू बी 260 बाय 20 इज 3 एंड दिस इज 6. तो ये हमारी सबकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 2:3:6. ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई है. तो हम क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि वन डे ए इज सपोर्टेड इन वर्क बाय बी. तो इसका मतलब पहले दिन 2 और 3 काम हो रहा है ए और बी के थ्रू. तो पहले दिन में जो हमारा वर्क हो रहा है वो हो रहा है 5 units. अब नेक्स्ट डे पे क्या हो रहा है, ए इज असिस्टेड बाय सी. तो हम देख सकते हैं ए अगर सी के साथ असिस्ट कर रहा है तो 2 और 6 8 units वर्क हो रहा है नेक्स्ट डे. तो पहले दिन 5 यूनिट और दूसरे दिन 8 यूनिट काम हो रहा है. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 2 डेज में हमारा कितना यूनिट वर्क हो जाएगा, 13 यूनिट वर्क हो जाएगा. 13 यूनिट वर्क हो गया हमारा 2 डेज में. अब हमें पता है टोटल वर्क 60 है और हमारा 2 दिन में 13 यूनिट वर्क हो रहा है. तो इसको करने के लिए हमें इस 13 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट वी रीच नियर 60. और वो ऐसा नंबर कौन सा है दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 60 के आसपास पहुंच जाए. तो 13 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के लिए. तो हमें दिख रहा है कि ये 52 वर्क हो गया. और ये कितने डेज हो गए, 8 डेज हो गए. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 8 डेज में हमारा 52 वर्क हो जा रहा है. लेकिन अब देखिए 60 वर्क यहाँ टोटल है और 52 वर्क ही हमारा कंप्लीट हुआ है. इसका मतलब अभी हमारा 8 यूनिट वर्क रह गया है. तो अब 8 डेज में हमारा जो वर्क हो गया वो हमारा हो गया 52 यूनिट्स वर्क तो हमारा हो चुका. अब जो 8 है वो कौन कंप्लीट करेगा. ए आउट हमें पता है कि जो पहले दिन ए और बी काम कर रहे थे 5 यूनिट. तो इसका मतलब अगर हमें 60 तक पहुंचना है, अगर इसमें आप पैच ऐड भी कर देते हैं तो अभी 57 तक ही पहुंचेंगे. तो इसलिए अगर हमने इसमें 5 यूनिट वर्क और ऐड कर दिया, और जब हम इसमें 5 यूनिट वर्क ऐड और करेंगे तो हम 9 डेज पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 9 डेज में ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे थे. तो हमारा ये 57 यूनिट वर्क हो गया. अब हमारा बचा क्या, 60 टोटल वर्क था, 57 यूनिट्स काम हो चुका. तो हमारा जो वर्क अब रिमेनिंग वर्क जो हमारा रह गया वो सिर्फ 3 यूनिट का वर्क रह गया है. और हमारे डेज अब तक कितने लग चुके हैं, 9 डेज लग चुके हैं और 3 यूनिट वर्क रह गया है. और हमें पता है कि अब जो काम करेंगे वो ए और सी वर्क करेंगे, और ए और सी एक दिन में 8 यूनिट काम कर पाते हैं. तो 3 यूनिट काम कितने दिनों में हो जाएगा, 3/8 days. और टोटल कम दिन कितने लगे थे हमें पहले, 9 days, और जो बाद में लगे वो 3/8 days. तो टोटल डेज जो हमारे लगेंगे वो लगेंगे 9 3/8 days. तो वर्क का कंप्लीशन होने के लिए वी रिक्वायर 9 3/8 days. सो दिस इज आवर आंसर. फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू 15th क्वेश्चन. A car covers 4 successive 7 kilometer distance at speed of 10 kilometer per hour, 20 kilometer per hour, 30 kilometer per hour,
60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ओवर द डिस्टेंस। तो जो फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं एवरेज स्पीड का, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसके लिए हमें पता है कि जो टोटल डिस्टेंस हमारी है, अब टोटल डिस्टेंस क्या है, 7 किलोमीटर, 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंस। तो पहले 7, फिर 7, 7 और ऐसे 4 सक्सेसिव करने के बाद जो हमारी डिस्टेंस टोटल बनेगी वो बनेगी 28 किलोमीटर। तो हमारी डिस्टेंस टोटल क्या हो गई, 28 किलोमीटर। लेकिन अब हमें चाहिए क्या, टोटल टाइम। तो टोटल सीधा हम अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अभी हमारी डिस्टेंस कितनी, अभी हमारी डिस्टेंस कितनी है, 28। अब हमारा टाइम, पहले जो 7 जा रहा है वो 10 किलोमीटर पर आर के अकॉर्डिंगली जा रहा है, तो हमारी जो पहला टाइम लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा टाइम आ गया 7/10। नेक्स्ट जो लगेगा 7/20, फिर नेक्स्ट देख रहे हैं 7/30, और नेक्स्ट है 7/60। तो अब ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए वी कैन गो बाय, अगर हम यहाँ से 7 कॉमन ले ले तो ये हमारा 4 बचेगा। अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 7 कॉमन है और हर एक में 10 है, तो वी विल टेक 7/10। तो वी आर रिमेंड विद 7 1+2 1/3+1/6, ये हमारा बच गया। अब 7 से 7 कट हो गया और ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 × 10 अपॉन 1+1/, अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। अब 1 6, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6, 2 के टेबल में 6 3 2+1, तो ये हो गया 4 × 10, और ये 6 भी ऊपर चला जाएगा। 6+3+2 9+2 11+, तो ये हमारा 12 हो गया। 4 3 12 और 3 2 6, तो हमारी जो एवरेज स्पीड आ गई वो आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एवरेज स्पीड फॉर द डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर पर आवर। सो अब हम आते हैं 16th क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स इज 5:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 6:5। द रेशियो ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल इज। अब हमें पता है हमें यहाँ पे निकालना क्या है, टाइम टेकन, और हमें पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम देखें हमारी फर्स्ट ट्रेन के लिए हमारी लेंथ जो दी है वो 5 दे रखी है, तो पहला जो T1 हमारा फर्स्ट ट्रेन के लिए टाइम निकलेगा वो निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है, 6, तो 5/6। अब सेकेंड ट्रेन के लिए कितना टाइम लगेगा, लेंथ कितनी है ट्रेन की, 3, और स्पीड कितनी है, 5। तो हमारा फर्स्ट ट्रेन का टाइम आ गया, सेकेंड ट्रेन का टाइम आ गया, निकालना क्या है इन दोनों का रेशियो। तो हम इसको T1/T2 रेशियो हो गया हमारा, तो T1 की वैल्यू जो है वो हो गई 5/6 और T2 की वैल्यू हो गई 3/5, जिसको कि हम 5/6 × 5/3 लिख सकते हैं। अब 5 5 = 25 एंड 6 3 × 3 = 18, तो हमारा जो टाइम आ गया एवरेज टाइम बाय देम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल इज 25:18। सो गाइस, अब हमारे 17th क्वेश्चन पे आ गए हैं, और हमारा 17th क्वेश्चन है, ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 8 डेज व्हिच इज डिस्ट्रॉयड बाय बी इन 3 डेज। व्हेन ए कंप्लीट्स दैट वर्क इन 6 डेज, देन इन लास्ट 2 डेज बी आल्सो डिस्ट्रॉयज इट। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड बाय ए टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। लेकिन अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, अब यहाँ पे ए कंप्लीट नहीं कर रहा है उस वर्क को, ए ओनली वर्क्स, अभी सिर्फ ए वर्क कर रहा है फॉर 6 डेज, ए इज ओनली वर्किंग फॉर 6 डेज, और अभी ये लास्ट 2 डेज में बी जो है लास्ट 2 डेज में डिस्ट्रॉय नहीं करके, देन इन 2 डेज पे सिर्फ वो बी उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अब ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया है, और अब हम इसके सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। हमें पता है कि ए इज वर्किंग, ए किसी वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कर सकता है, और बी किसी वर्क को डिस्ट्रॉय कर सकता है 3 डेज में। तो अब हम इसको जब एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अब
इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, ये 3 एफिशिएंसी और इसकी 8 एफिशिएंसी, मतलब काम अगर ए 3 कर रहा है तो बी 8 काम डिस्ट्रॉय कर रहा है, और ये मतलब ये माइनस में है क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, और ये काम कर रहा है तो ये प्लस में है। अब क्वेश्चन है व्हेन ए वर्क्स फॉर 6 डेज, अगर ए वर्क कर रहा है 6 डेज के लिए, हमें पता है कि एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर लेता है, तो 6 डेज में जो काम करेगा वो मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, इसका मतलब वो वर्क कितना कर पा रहा है, 18 यूनिट्स 6 डेज में, और बी 2 डेज में उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इसका मतलब 2 दिन में वो कितना काम डिस्ट्रॉय कर रहा है, 16 यूनिट्स, इसका मतलब अगर 18 यूनिट्स ए काम कर रहा है और बी डिस्ट्रॉय कर रहा है उसे 16 यूनिट्स, तो हमारा अब काम कितना रह गया रिमेनिंग, मतलब अभी सिर्फ ए का कितना रिमेनिंग यूनिट वर्क रह गया, 2 यूनिट वर्क, लेकिन हमारा टोटल वर्क कितना था, 24 था, और 2 ही रह गया, तो जो टोटल रिमेनिंग वर्क हमारा है जो ए अभी करेगा वो कितना है, 24 माइनस 2, तो हमारा जो रिमेनिंग वर्क है वो है 22 यूनिट्स, और अब वो करेगा कौन, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड बाय ए, तो उस काम को करना किसने है, ए ने करना है, और हमें पता था कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए जो हमारा वर्क है फॉर एफिशिएंसी, तो ये हमारा आ जाएगा 7 1/3 डेज, तो ए को जो कंप्लीट करने में, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे, 7 1/3 डेज। तो फ्रेंड्स अब हम 18th क्वेश्चन पे आ गए हैं, और क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्वेश्चन आई थिंक सब बच्चों को आता ही होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, और हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसके लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये 90 है तो आप इसको थीटा दे दीजिए, अब ये थीटा है तो साइन थीटा दिया, और हम सबको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर हम इसको डिनोट कर दें ए बी सी, हमारा जो साइन थीटा है वो हो गया ए बी बाय ए सी, लेकिन अब हमें चाहिए क्या, कॉसेक्स स्क्वायर थीटा, अब कॉसेक्स स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट, तो हम सीधा कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का अपोजिट दैट इज 30, कॉसेक थीटा की वैल्यू थी 13/5 रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कितना है, सॉरी फ्रेंड्स हम बेस निकालना भूल गए थे, यहाँ ट्रिपलेट है तो 5 ये परपेंडिकुलर है, 13 हाइपोटेन्यूज इट इज अ ट्रिपलेट है, तो इससे हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू, हमें पता है कि ट्रिपलेट जो होता है 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है, तो हम बेस की वैल्यू हम 12 एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, अब ये जब 12 वैल्यू आ गई है, और कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज बी सी बाय ए बी, तो अभी हो गया 12/5, ये तो हमारा निकल गया, आप ये डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कीजिए और इसका आंसर निकालिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 13/5 का स्क्वायर था, कॉट स्क्वायर थीटा है तो 12/5 का स्क्वायर है, 1/5 स्क्वायर इज कॉमन, 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आप जब इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/25, और 13 का स्क्वायर सबको पता है 169, 144, तो हमारा आंसर आएगा 313/25, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 313/25। फ्रेंड्स 19th क्वेश्चन है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस इज, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस और इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, जो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला आता है हमारा ए बाय रूट 3, जहां पर ए जो है दैट इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी वैल्यूज जो होंगी, सारी साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, तो सर्कम रेडियस हो गया ए बाय रूट 3, और इन रेडियस का सिमिलरली हमारे पास होता है ए बाय 2√3, कुछ नहीं है बस अब इसका रेशियो निकालना है, अब रेशियो है सी बाय आई का, सी है हमारे पास ए बाय रूट 3, आई है हमारे पास ए बाय 2√3, तो फ्रेंड्स ये सब कट गया, नाउ वी रिमेन बाय 1:1 रेशियो 1:2,
अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2:1। तो सरकम याद रखने का, याद रखिएगा ये बहुत कॉमनली यूज होता है, तो आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। तो कभी भी आए इक्विलेटरल ट्रायंगल के रेशियो क्या है सरकम रेडियस और इन रेडियस का, तो डायरेक्टली आप लर्न कर लीजिए कि जो इसका रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 रहेगा। वी कम टू द 20th क्वेश्चन। इफ साइन थीटा बाय एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स हमने इससे भी पहले यही क्वेश्चन किया है, अब फिर वही करेंगे, हमने फिर इसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले हम ट्राइंगल में वैल्यूज क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए कि ये साइन थीटा बाय एक्स और ये कॉस थीटा बाय वाई है। अगर इस कॉस थीटा को मैं नीचे ले आऊं तो मेरा ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू ये एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्स बाय वाई, और हमें पता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, टैन थीटा, और टैन थीटा हमारा अगर एक्स बाय वाई आ गया तो इसमें क्या है, अब हमारा हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे दोबारा, वही फिर हमें एक थीटा एज्यूम करना है, और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, अब ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो इससे हमें ये हमारे लिए हाइपोटन्यूज हो गई। तो हाइपोटन्यूज क्या होती है, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमारा हाइपोटन्यूज क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया, आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है आप डायरेक्ट निकालिए, साइन थीटा की वैल्यू जो है साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, तो ये हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। अब आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन करने पे जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो हमारी हो जाएगी अब ये डायरेक्ट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आए तो सबसे प्रेफरेबल जो ऑप्शन रहेगा आपके लिए, आप वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड गो बाय दी ऑप्शंस। तो 21st क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉसिबल टू बी ड्रॉन इन एन ऑक्टागन। तो फ्रेंड्स ये पॉलीगन का क्वेश्चन है, और कभी भी किसी भी पॉलीगन में अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं तो आपका फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है एन एन माइनस थ्री बाय टू, और हमारा जो यहाँ पर एन है दैट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। तो नंबर ऑफ साइड्स, अब हमारा ये ऑक्टागन है और ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, ऑक्टागन में हमारी जो साइड्स हैं वो होती हैं 8। तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिए तो हमारा आ जाएगा 8 माइनस थ्री बाय टू, तो ये हो जाएगा 8 इंटू फाइव बाय टू, दैट इज 2/4, और ये हमारे आ गए 20 नंबर ऑफ डायगोनल्स। दो आई हैव सॉल्व्ड दिस सो मच, आपको इतनी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला लर्न है जस्ट पुट इट इन योर जस्ट यू कैन कैलकुलेट इट इन योर माइंड, आप अपने माइंड में सॉल्व कीजिए इसे, एन एन माइनस थ्री बाय टू आपकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी एंड यू विल गेट द आंसर इन फ्यू सेकेंड्स, तो इतना टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 22nd क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म वेयर एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू 24 मीटर एंड हाइट है 8 मीटर। तो ये प्रिज्म का क्वेश्चन है, ये बहुत फ्रीक्वेंट है, ये बहुत क्वेश्चन पेपर्स में आता है और एग्जाम्स में भी आता है, और स्पेशली मेंस में तो एक क्वेश्चन इसका पक्का है, और प्री में भी आ ही जाता है, और आपको इसके लिए ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ इसके लिए फॉर्मूला लर्न करना है। तो आपको फॉर्मूला देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। तो सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म जो है उसका फॉर्मूला है 2 एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, 2 एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म जो है उसके लिए हमें क्या करना है, वो हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट,
अब डायरेक्टली ये पूरी वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस हमें यहां गिवन है 2 इंटू 25 प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस भी हमें गिवन है तो वो कितना है हमारा 24 और हाइट कितनी है 8, तो ये आ गया 50 प्लस 192, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 242 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो सरफेस एरिया प्रिज्म का निकला है 242 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये आ गया हम सबका फेवरेट क्वेश्चन पाई चार्ट, और पाई चार्ट हमें ये दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखते ही हम सब खुश हो जाते हैं कि चलो अब ये तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो देखिए अभी पाई चार्ट जो दिया गया है दैट इज द वर्क डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, एक हाउस को बनाने में हमें क्या क्या चाहिए वो सब है, और टोटल कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन की है वो हमें दी गई है 6 लाख, और हमारा क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर एंड अमाउंट स्पेंट ऑन स्टील। तो अब इसका डिफरेंस निकालना है, और हमें पता है कि लेबर और स्टील दोनों डिग्रीज में है, स्टील का है हमारे पास 54 डिग्री, लेबर का है 90 डिग्रीज। तो अगर सिंपल डिफरेंस निकाले इन दोनों का तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 90 माइनस 54, तो डिफरेंस कितना आ गया 36 डिग्री, और टोटल सर्कल का जो डिग्रीज है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर हम इसको निकालें तो 36 अपॉन 360 ये हमारा डिफरेंस आया था, और जो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हमारी कितनी है 6 लाख, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 6 लाख। अब आप इसको काट लीजिए ये 10 और ये आपका, तो आपका आंसर क्या है 60,000 रुपीज, जो आपका डिफरेंस आएगा दैट इज रुपीज 60,000। तो फ्रेंड्स अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं मैथ्स पोर्शन के, द अमाउंट स्पेंट ऑन टिम्बर इज, बट प्रॉब्लम क्या है, अब टिम्बर की वैल्यू तो हमें दी ही नहीं गई है, अब हम क्या करेंगे इन सबको ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन, इसी में सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि जो सारे सारे 18 के मल्टीपल्स हैं, तो व्हाई नॉट वी टेक 18 कॉमन, अगर हम 18 कॉमन ले लें तो हमें क्या दिख रहा है कि 18 के टेबल में 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 9, ये 9 हो गया। अब ये कितनी बार जाता है 4 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 5 9, तो 18 × 18 आपका क्या आ गया 324, और ये टोटल कितने डिग्रीज है 360 डिग्रीज है, और अगर आप 360 में से 324 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 36 डिग्रीज। तो हमारे पास टिम्बर की वैल्यू डायरेक्ट आ गई है, और हमारे पास जो टिम्बर की वैल्यू आ गई वो आ गई 36 डिग्रीज। बस अब आपको अमाउंट निकालना है, फिर वही करेंगे जो अमाउंट दिया गया है डिग्रीज में 36 अपॉन टोटल कितना हो गया हमारा 360, और टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की कितनी थी 6 लाख, तो 6 लाख करने के लिए आप फिर से वही 6 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से ये क्रॉस ये 1 टाइम, तो फिर से जो हमारा आंसर है दैट इज 60,000। तो हमारा जो अमाउंट स्पेंट हुआ है टिम्बर पे वो हो गया 60,000। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं मैथ्स के लास्ट क्वेश्चन में, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन सीमेंट। अब फिर वही चीज है, सेम क्वेश्चन है, वही जो जितना डिग्री सीमेंट का दिया है, सीमेंट का कितना डिग्री है 72 डिग्रीज, टोटल हमारा कितना है 360, और हमारा कंस्ट्रक्शन पर टोटल कॉस्ट कितना है वो आया है 6 लाख। ठीक है, तो बस अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कट 36 के टेबल में 72 2 टाइम्स, और ये हमारा आ गया 1,20,000, जो कि आंसर को मैच कराना है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1.2 लाख, तो आर आंसर इज 1.2 लाख। सो दिस कम्स टू आर द एंड ऑफ द मैथ्स क्वेश्चंस, दिस इज द सॉल्यूशन एंड यू गो बाय। सो फ्रेंड्स वी हैव ट्राइड टू गिव यू द बेस्ट ऑफ ट्रिक्स पॉसिबल, सो गो थ्रू दिस ट्रिक्स एंड ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस।
आप इन्हीं ट्रिक्स के थ्रू और क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि हाँ आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं इन्हीं ट्रिक्स के थ्रू. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन डू कॉमेंट बिलो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेट न्यू एंड द शॉर्टेस्ट ट्रिक्स. सो फ्रेंड्स बी विद अस टू टारगेट SSC 2017. Bye bye. See you later in the next video.